हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉयड पाठशाला में। तो दोस्तों, बीएसएफ में फिर से कांस्टेबल के लिए वैकेंसी आई है जिसमें टोटल 1700 से ज़्यादा पोस्ट है। तो इसी के रिगार्डिंग सारी बातों को बताने आया हूँ। तो टाइम न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। इससे प्लस तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होते हैं उसे क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरा वीडियो डेट आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों, देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे बीएसएफ करेगी कांस्टेबल के 1763 पदों पर भर्ती। यहाँ ये जो दोस्तों पेपर कटिंग है, ये कल का पेपर कटिंग है, यानी दोस्तों 16 फरवरी पटना संस्करण जो हिंदुस्तान के पेपर में पब्लिश कर बताया गया। चलिए जान लेते हैं सारी बातें। नीचे आते हैं तो देख सकते हैं बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए कुल 1763 पदों पर भर्तियाँ करेगी। सभी नियुक्तियाँ टेलर, कुक, कॉरपोरेटर, स्वीपर और पेंटर समेत विभिन्न ट्रेड्स के लिए होगी। महिलाएं टेलर ट्रेड के लिए ही आवेदन कर सकती है। और दोस्तों, दे सकते हैं जो जितना भी वैकेंसी का जो पोस्ट है, इन सभी पोस्ट में महिलाओं के लिए सिर्फ और सिर्फ है जो टेलर के लिए आया है वैकेंसी। इन पदों के लिए डाक के माध्यम से आवेदन पत्र 4 मार्च 2019 तक भेजना होगा। तो दोस्तों, जो ये फॉर्म है ये आपको ऑफलाइन भेजना है, डाक के थ्रू भेजना है। दोस्तों, ये सारी बातें को किस वेबसाइट से हो सके तो भेजना है। नीचे आते हैं तो देख सकते हैं उम्मीदवार 10वीं पास होना चाहिए। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है सिंपल सा, अगर आप 10th पास हैं, मैट्रिक किए हुए हैं, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही संबंधित कार्य क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और दोस्तों, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस पोस्ट में कम से कम 2 साल का के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और दोस्तों, देख सकते हैं इसके अलावा आईटीआई और डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना भी चाहिए। आयु सीमा क्या है चलिए देख लेते हैं। तो अधिकतम है 23 साल। अगर आपका आयु सीमा अधिकतम 23 साल है तो आप आसानी से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो वेतन नुमा है दोस्तों, देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा वेतन नुमा है, जो 21,700 से लेकर आपका 69,100 रुपया तक होगा आपका सैलरी। चयन लिखित परीक्षा ट्रेड टेस्ट और शारीरिक परीक्षा के आधार पर होगा। जो आपका सिलेक्शन होगा वो एक लिखित परीक्षा होगा, फिर उसके बाद टेस्ट ट्रेड होगा, उसके बाद शारीरिक यानी कि आपका फिजिकल भी लिया जाएगा, उसके अनुसार आपको फिर फाइनली आपका जॉब मिलेगी। आवेदन शुल्क सिर्फ और सिर्फ ओनली 100 रुपीज है, 100 रुपीज है। और दोस्तों, ये रहा आपका वेबसाइट, इसी वेबसाइट के थ्रू जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था। चलिए कुछ और भी शॉर्ट में जान लेते हैं जो नई नई वैकेंसी आई है। देख सकते हैं यहाँ पर भी एक बताया जा रहा है कि 275 वैकेंसी है जो विभिन्न पद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में लाया गया है। तो इसी रिलेटेड आपको दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। नेक्स्ट है जो 264 पदों पर नियुक्तियाँ करेगी एयरपोर्ट अथॉरिटी। इससे रिलेटेड जो वीडियो होगी मैं आपका पूरा नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। और साथ में देख सकते हैं BHEL में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 26 पदों के लिए भी आवेदन आई है। दोस्तों, ये था इन्फॉर्मेशन, सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दे चुका हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सअप फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहाँ पर फिर अदर गवर्नमेंट फॉर्म के बारे में बताने आऊँगा या इसी तरह का अपडेटेड न्यूज़ बताने आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन को क्लिक कर दें। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर सब्सक्राइब कर दें, और उसके बगल का जो बेल आइकन होते हैं उसे क्लिक कर दें, जिससे कि आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो डायरेक्ट मिल जाएगी।